बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों, आप सभी का इस कार्यक्रम में जनमत लाइव में। आज हम बात करेंगे, एक समाजशास्त्री विश्लेषण करेंगे पिछले दिनों की घटनाओं पर। पिछले दिनों की घटनाओं को अगर हम देखें तो यूपी का हाथरस का जो मामला है वो सर्वोपरि है। हम देख पा रहे हैं कि लगातार उस पर बहुत सारे बयान आ रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां उस कांड को लेकर, उस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक आम लोगों में भी वो प्रदर्शन एक बार फिर से उभर कर आ रहा है कि प्रदर्शन की जो क्रिया होती है या आंदोलन की जो क्रिया होती है वो एक बार फिर से आम लोगों में भी नजर आ रही है। बहुत समय के बाद एक बार फिर बहुत सारे लोग सड़कों पर इस तरह के मामले को लेकर उतरे हुए हैं। हालांकि इन दिनों बहुत सारे मामले हैं जिसको लेकर लोग सड़कों पर हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर यानी कि खेती का मामला भी कह सकते हैं। किसान बहुत बड़ी संख्या में आंदोलित हैं पंजाब में, हरियाणा में, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में। निजीकरण के मामले को लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो लोग हड़ताल पर हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनों का ये दौर चल रहा है एक तरह से हम देखें तो। फिलहाल आज जो हम बात करेंगे वो जो एक घटना यानी कि जिसको हम बहुत ही दुखद घटना कह सकते हैं, एक ऐसी घटना हुई है यूपी में जिसने पूरे देश का जो स्तर है वो नीचा कर दिया है। तो ऐसी घटनाओं के कारण पर आज हम बात करेंगे और इसका जो निवारण है वो आखिर कैसे हो सकता है इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं और जो कि आप सभी जानते हैं उन्हें, वो JNU में समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापक प्रमुख हैं और एक बहुत अच्छे समाजशास्त्र विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में सर। धन्यवाद सुधीर जी। हम जिस चीज को लेकर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सर, वो ये कि जो घटनाएं हो रही हैं ये हम सब देख रहे हैं और यूपी के हाथरस की घटना अकेली नहीं है। अगर हम देखते हैं तो जो क्राइम रेट है जो जारी भी होता है वह हर साल जारी होता रहता है और इस साल भी जारी हुआ, जो पिछले साल की बात अगर हम देखते हैं तो उसमें हम क्राइम रेट के अनुसार देखते हैं तो राजस्थान सबसे आगे है, मतलब सबसे अव्वल नंबर लेकर, 55 नंबर लेकर सबसे आगे है। फिर मध्य प्रदेश 46 है, बिहार की अगर हम बात करें तो वो 39 है और फिर तेलंगाना 31 है और यूपी 28 है। इसको भी हम, इस पर भी हम बात करेंगे कि यूपी 28 क्यों है जबकि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर होता रहता है। जबकि हम प्रतिशत की अगर बात करें तो प्रतिशत जो है वो यूपी का सबसे ज्यादा है, तो 25% लेके यूपी सबसे अधिक है, बिहार राजस्थान जो है वो 14% और फिर मध्य प्रदेश 11। तो ये जो रेट है हम अगर देखते हैं तो कहीं पर कम कोई किसी से नजर नहीं आ रहा है। कई बार बहुत सारी बातें होती सर, हम एक चीज ये भी देखते हैं कि घटनाएं दर्ज नहीं होती, तो क्राइम रेट या फिर इस इन आंकड़ों को भी अगर हम देखते हैं तो आंकड़े भी उसी अनुसार आते हैं कि जो दर्ज है संख्या उसको लेकर आंकड़े आते हैं। तो जब दर्ज ही नहीं होगा तो आंकड़े भी उतने सटीक होंगे ये कहना जरा मुश्किल होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि ये जो घटनाओं की संख्या है कम तो नहीं हो रही है? कम तो नहीं, देखिए सुधीर जी, सबसे बड़ी बात है कि हमें भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा, कहानी को समझना पड़ेगा। अगर हम अभी भी 21वीं सदी में भी भारत को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्यों अपराध हो रहे हैं ये भी नहीं समझ पाएंगे जी। तो इसलिए एक समाजशास्त्री के रूप में और एक विशिष्ट मेरी अस्मिता है, मैं विशेष समाज से आता हूं, उसको रेखांकित करते हुए मैं ये कहूंगा कि हमको ये जानना पड़ेगा, पड़ताल करनी पड़ेगी कि आखिर दलितों पर अत्याचार या दलितों के विरुद्ध अपराध होते क्यों हैं। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में इसका निवारण समझ पाएंगे। तो कारण समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि मान्यवर कांशीराम भी कहा करते थे, अगर समाज को बदलना है तो समाज को समझना पड़ेगा, तो हमें यह समझना पड़ेगा। और इसलिए यह तथ्य आप जान लीजिए कि भारत की सामाजिक संरचना में ही दलितों के विरुद्ध जघन्य अपराध निहित है या उनके प्रति जो हिंसा है वो उसके अंदर बाबस्ता है, पेबस्त है। इसको हम इस तरह समझें कि जो भारतीय सामाजिक संरचना बनाई गई है उसके अंदर
दलितों के खिलाफ अपराध करना कोई अपराध नहीं है, ये सोच में वाबस्ता है जी, जी, और इसलिए आज भी जो परंपरावादी समाज है उसके अंदर ये सोचा जाता है अरे यार दलित है मार लो कुछ कर लो इनके साथ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पक्ष में एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और न्याय है, सब हमारे इनके पक्ष में क्या है, इनके पास क्या है, इसलिए इनको मार लो। तो इसलिए सामाजिक संरचना के अंदर ही दलितों के प्रति हिंसा बसी हुई है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक उससे हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे। जी 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 जी। और ये बात कैसे प्रमाणित होती है कि दलितों सामाजिक संरचना में ही दलितों के प्रति हिंसा बसी हुई है, ये बात किससे प्रमाणित होती है? ये प्रमाणित होती है आंकड़ों से। किसी समाज के ऊपर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा आप दे रहे थे उसके अंदर आप देखिए 2019 में ही लगभग 46,000 वारदातें हुई, 45,934 अपराध हुए हैं दलितों के खिलाफ और वो भी दर्ज हुए हैं, जैसा कि आप कह रहे थे बहुत से दर्ज ही नहीं हुए होंगे। तो इसलिए या अर्थात ये हुआ कि 125 वारदातें पर डे हो रही हैं जिस समाज पर, जो 16% दलित समाज है उसके प्रति 125 वारदातें। इसका यह मतलब हुआ कि पूरे जगह हर समाज के अंदर हर स्टेट में ये हो रही है जैसा कि आप बता रहे थे, और सबसे ज्यादा जो आंकड़ा आप दे रहे थे वो उत्तर प्रदेश का है 11,444 11,829 2019 में, यानी कि 32 अपराध पर डे। तो अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति है और उस अपराध में हमने बताया कि जो रेप केसेस हैं बलात्कार के केस वो लगभग 3,471 केस 2019 में ही दर्ज हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पर डे 10 रेप्स हो रहे हैं, 10 अपराध की महिलाओं के खिलाफ और उसमें बच्चियां भी शामिल हैं। तो आप सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 796 हुए, उसके बाद 531 जो है वो राजस्थान में हुए, 620 मध्य प्रदेश में हुए। तो ये क्या बता रहा है? ये जो पूरी की पूरी नंबर्स है, संख्या है, ये बता रही है कि दलितों के प्रति अपराध हिंसा समाज के अंदर रची बसी हुई चीज है और इसे हमें लड़ना पड़ेगा। वाकई इसमें एक चीज कहते हैं कि अगर आपके पास सत्ता हो तो सब कुछ संभव है, आप इस प्रकार की परिस्थितियों से बच सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिस समाज की सत्ता होती है या जिस समाज को, हालांकि सत्ता या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या जो भी है सरकार होती है, वो तो समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए होती है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। हम अगर देखते हैं तो हमें महसूस कर रहे हैं लगातार कि जब भी जिस जाति का मुख्यमंत्री होगा या वहां का अधिकारी होगा या तो ये एक भाव जो है वो लगातार बना रहता है कि वो उस कहते ना सैया भय को त्वाल तो फिर क्या डर है। तो ये जो ये बात को शायद कांशीराम साहब भी समझते थे, उन्होंने कई बार ये बात कही है कि सत्ता अगर हमें मिलेगी तो हम इन परिस्थितियों को सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एक भाषण उनका वायरल भी हो रहा है इन दिनों की वो कहते उसमें नजर आ रहे हैं। तो हम नहीं, मैं वही बात बता रहा हूं सुधीर जी, मैं वही बात बता रहा था कि जब आपकी समाज की सोच ऐसी है कि हमारा जात वाला अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है और हम इसलिए अपराध करके बरी हो जाएंगे, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि सामाजिक संरचना में ये सोच रची बसी हुई है कि हम अपराध कर सकते हैं और हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस सोच से लड़ने के लिए जो है वो एक कहना चाहिए कि विचारधारा है, वो ये सोच जो है वो विचारधारा है और विचारधारा स्वच्छंद नहीं है,
ये आत्मनिर्भर रूप से नहीं जुड़ रही है, वो एक संगठन के साथ जुड़ी हुई है जी जी, और वो संगठन राजनीतिक भी हो सकता है, वो एक सामाजिक संगठन भी हो सकता है, और वो संगठन विचारधारा के आधार पर अपने कैडर को बनाता है और कैडर से मिल करके फिर वह सत्ता तक पहुंचता है जी, सरकार बनाता है और सरकार के बाद सभी संस्थाओं को, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सभी को वह इन्फ्लुएंस करता है, उस पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमको अगर सचमुच इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इससे निजात पानी है, इससे छुटकारा पाना है, तो हमको भी उसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, हमको भी सत्ता की तैयारी करनी पड़ेगी, हमको सत्ता ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, हमको संगठन बनाना पड़ेगा, हमको अपनी विचारधारा के आधार पर संगठन बनाना पड़ेगा, उसमें हमें कैडर पैदा करने पड़ेंगे और तब हम लड़ाई लड़ करके तब जो है सत्ता लेंगे, और फिर सत्ता की सत्ता से लड़ाई होगी, विचारधारा की विचारधारा से लड़ाई होगी और कैडर की कैडर से लड़ाई होगी, तब कहीं बराबर की लड़ाई होगी। अभी गैर बराबरी की लड़ाई है ये, एक के पास संगठन है और उसके पास कैडर है, विचारधारा है, सत्ता है, सत्ता की सभी संस्थाएं हैं, और दूसरे के पास क्या है, धरना और प्रदर्शन, केवल अनशन, तो इससे तो लड़ाई नहीं हो पाएगी। और इसीलिए एक समाजशास्त्री होने के बाद कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि हमको अनशन और आंदोलन में अंतर करना पड़ेगा जी। अनशन क्या होता है, एक दिन आए आपने धरना प्रदर्शन किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, एक दिन आप गए पीड़िता से मिले, उससे बात करी और उसके बाद अपने घर में आप बैठ गए, आपको लगा कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया और आपकी आत्मा भी सुरखुरू हो गई कि अरे हमने भी कुछ कर दिया। तो ये तो सांकेतिक प्रतीकात्मक रूप से आपने कुछ किया, इसे बोलते हैं अनशन। लेकिन आंदोलन एक सतत प्रक्रिया का नाम है, आंदोलन बहुत सारे समूहों को लेकर के एक विचारधारा के आधार पर लीडरशिप लिए हुए संगठन से लड़ाई लड़ती हुई प्रक्रिया का नाम है, जिससे कि वंचित समाज के लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये हुआ आंदोलन, सतत प्रक्रिया, ये नहीं एक दिन आए और किया उसके बाद निकल गए, ये अनशन है। और यहीं पर हमको आप देखना पड़ेगा कि सबल समाज का अनशन और दलित समाज के अनशन में भी अंतर करना पड़ेगा जी। हमारे लोग क्या होता है, ये सोचते हैं कि यार अनशन किया, देखो उसने अनशन किया, उनको तो फल मिल गया और हम भी दलित, हम भी लोग हैं तो हम कर लेंगे। लेकिन नहीं साथियों, ये समझना पड़ेगा, दलित समाज के लोग जब अनशन करने जाएंगे तो उनके विरुद्ध एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा और लाठियां भी पड़ेंगी और सरकार उनकी बात मानेगी नहीं। लेकिन समण समाज की जो मिलीजुली नूरा कुश्ती होती है, वो जाता है दिखाता है देखो कि मैंने अनशन किया और उसकी मांग झट से मांग ली जाती है, क्योंकि ये मिलीजुली लड़ाई है और उससे क्या होता है, उस आदमी की छवि बढ़ जाती है। और हम लोग ये समझते हैं क्योंकि कमेरे लोग हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को सोचते हैं पारिश्रमिक मिल जाएगा, तो हम भी सोचते हैं कि हमने आज दिन भर धरना किया है, हमको जो है न्याय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको डंडे मिलते हैं, हमको जो है बाकायदा, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ज्यादा इसको और कौन समझ सकता है। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ जो आंदोलन चला नामांतरण का आंदोलन, या आप उसको दलित पैंथर्स का पूरा आंदोलन करें, उसमें बहुत कुछ अर्जित हुआ, मैं उसकी बड़ाई भी कर सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे युवा साथियों की जिंदगी खराब हुई और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दी, किसी की कोई मार दिए गए, कुछ ने जान गंवा दी, लेकिन उससे हासिल उतना नहीं हुआ जितना कि हमारे लोगों की क्षति हुई। तो इसलिए हमें अनशन और आंदोलन, और वो भी संवैधानिक आंदोलन और जो है गैर संवैधानिक आंदोलन, इसमें अंतर समझना पड़ेगा, कम से कम हमारे यूथ को समझना पड़ेगा जी। नहीं, वैसे तो ये ठीक है, आंदोलन है और
धरना प्रदर्शन है, लेकिन कभी कभी इन चीजों की आवश्यकता पड़ती भी है कि लोगों में जो एक विश्वास जगाने के लिए, या फिर आम लोग हैं वो समझते हैं कि जब मैं मुसीबत में था तो मेरे वो मेरे साथ या मेरे जो है ना मुसीबत को बांटने या परेशानी को बांटने के लिए वो नहीं आया मेरे पास, या सहानुभूति प्रकट करने भी नहीं आया। तो एक तरह से ये हम ये देखें कि कभी कभी राजनीतिक दलों के लिए ये आवश्यक भी हो जाता है अपनी छवि को उनके मन में ज्यादा इम्पैक्ट कराने के लिए। जी तो, नहीं लेकिन सुधीर जी आप ये समझिए कि आप सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, तो मान्यवर ही कहते थे सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा उसको नहीं जगाया जा सकता। ये बात हमें समझनी पड़ेगी जी। क्योंकि सरकार को यह नहीं पता है कि हमारे ऊपर अपराध हो रहे हैं, 45-46 हजार अपराध होते हैं जी। हर दिन दर रेप हो रहे हैं, लेकिन सरकार को यह संज्ञान में नहीं है क्या? यह संज्ञान उसके अपराध के आंकड़े वो पब्लिश नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जानबूझ करके हीला हवाली की जा रही है। तो आप उससे क्या मांगने जा रहे हैं? जो आदमी नाटक कर रहा है सोने का, तो उससे मांगने क्या जा रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। और इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके ये दिखाना चाहिए कि क्या कुछ लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही तो नहीं धरना कर रहे हैं। ये हमें दलित समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसी दिल्ली में अनशन देखे हैं और करप्शन के खिलाफ अनशन देखे हैं जी। लेकिन उससे कुछ लोग किस तरह अलग हुए और किस तरह कुछ लोग गवर्नर बन गए, कुछ लोग चीफ मिनिस्टर बन गए, कुछ लोग मिनिस्टर बन गए, लेकिन क्या करप्शन खत्म हो गया? सरकार जरूर बदल गई, लेकिन किस सरकार के खिलाफ? क्या अपराध, क्या करप्शन खत्म हो गया? मुझे नहीं लगा कि करप्शन खत्म हो गया। कुछ लोगों ने सहानुभूति इकट्ठा करके और अपनी राजनीति जरूर चमका ली, लेकिन उससे अपराध नहीं गए और उन्होंने अपनी सत्ता बना ली। तो क्या हम इससे अपना एक तरह से हम देखें तो उस पूरे आंदोलन को अगर सही तरीके से हम देखते हैं तो वो भी सत्ता परिवर्तन का एक तरीका ही था। उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो करके सुधीर जी किसके हाथ में गई? क्या दलितों और बहुजनों के हाथ में सत्ता आई? नहीं बिल्कुल। क्या उनको प्रतिनिधित्व मिला या उनको न्याय मिला? ये लड़ाई तो इस बात की है कि हम अपना घर जला करके किसी को नहीं तकवाएंगे। हमारा मानना यह है कि अगर हम अपना घर जला रहे हैं, हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं, तो हमको न्याय तो कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन क्या न्याय मिल रहा है, इस बात की लड़ाई है। और वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, जो समाज है, वो जानबूझ करके अनदेखी कर रहा है। हम अनशन कर रहे हैं, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिला देती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें आवाज उठानी चाहिए, तो लोग, लेकिन आवाज तो वहां उठाई जा सकती है जहां पर चेतना लिए हुए लोग हों, जवाबदेही सुनिश्चित हो। वरना आप खुद विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से लड़ेंगे और संगठन की लड़ाई संगठन से लड़ेंगे, कैडर की लड़ाई कैडर से लड़ेंगे और सत्ता की लड़ाई सत्ता से लड़ी जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि वाकई हमें अपने आंदोलन को सही ढंग से अलग अलग चरणों में और अलग अलग तरीकों में विभाजित करना पड़ेगा और सभी को समांतर रूप से चलना पड़ेगा। वरना होता यही है कि कोई कहता है कि मेरा आंदोलन ज्यादा अच्छा है, आपके आंदोलन से ज्यादा मैं जो कर रहा हूँ वो ज्यादा बेटर है। और स्वाभाविक है, ये इंसानी प्रवृत्ति है, इसको बदलना भी बहुत आसान नहीं है। वैसे अगर जहां तक सत्ता की बात है, मान्यवर जी ने ये कहा और उन्होंने करके भी दिखाया, हम अगर ये देखते हैं तो सत्ता की जहां तक बात है तो दलितों का प्रतिनिधित्व अभी भी सत्ता में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा। तो सत्ता में रहना किस रूप में होना चाहिए? क्योंकि सत्ता में तो अभी भी है दलित बहुत बड़ी संख्या में है, संसद में है, विधानसभाओं में है, यहाँ तक कि लोकल बॉडीज में भी सभी लोग हैं। तो फिर भी ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये जो रेट हम देख रहे हैं, इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो आखिर किस प्रकार की सत्ता में इस रेट में परिवर्तन आएगा?
देखिए मैं वो जो बात आपको धरना प्रदर्शन वाली कर रहा था, थोड़ी सी एक बात रह गई उसके अंदर, मैं उसको जोड़ना चाह रहा था कि वास्तविकता में जो लोग धरना प्रदर्शन दलित समाज के लिए कर रहे हैं या वो दिखावा कर रहे हैं कि मैं दलित समाज के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा हूं और इससे बातें बल जाएंगी और इससे बन जाएंगी और इससे दलितों को न्याय मिल जाएगा, मैं उनकी सीरियसनेस पर, उन दलों की सीरियसनेस पर सवाल उठा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो दल सचमुच अत्याचारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो केवल उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं, वो राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने खुद आंकड़े दिए जी, आपने खुद आंकड़े दिए कि वो अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालें तो वो नंबर वन में, इंडिसीज निकालें पर लाख जो अपराध होते हैं दलितों पर, एक लाख में जनसंख्या के ऊपर, तो वो उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान, तो राजस्थान में वो क्यों नहीं जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एक महाराष्ट्र में वो क्यों नहीं कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? वो ये क्या बोलते हैं हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि जो दलित दलित समाज पर अपराध चेक किए जा सकते हैं ऐसी कुछ संस्थाएं बनी, जैसे कि भारतीय संविधान की धारा 338 के तहत ये कहा गया कि देयर विल बी ए शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। अब ये जो शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति आयोग है वो खाली पड़ा हुआ है, अनुसूचित जनजाति आयोग भी खाना पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, और यहां तक कि सफाई कर्मचारी आयोग भी खाली पड़ा हुआ है। जो जो दल दलितों के लिए अनशन कर रहे हैं, क्या वो संविधान या वो संसद में क्यों ये इदारे खाली पड़े हैं, क्यों ये इंस्टीट्यूशन खाली पड़े हैं, इस पर कभी आवाज उठाई उन्होंने? उन्होंने ये प्रश्न उठाया। दूसरी बात कि ये कहा जाता है कि उसी धारा के तहत कि शेड्यूल कास्ट कमीशन हर वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा शेड्यूल कास्ट के विकास के बारे में कि अनुसूचित जातियों का कितना विकास हुआ है और किस जगह जगह कम रह गई है, उसका ये एक रिपोर्ट जो है वो संसद में राष्ट्रपति महोदय को देगा जी। और राष्ट्रपति महोदय उसको संसद की पटल पर रखेंगी और जिससे कि सभी पार्लियामेंट दोनों सदनों में, उच्च सदन में और निम्न सदन में, यानी के राज्यसभा में और लोकसभा में, दोनों जगह इस पर मंत्रणा होगी, डिस्कशन होगा। क्या कभी जो दल जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ये आवाज उठाई कि भाई वो रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत हो रही है, उस पर क्या कार्यक्रम क्रियान्वयन क्या किया गया है या कहां डेसिफिट कहां पर कमी है, ऐसी आवाज क्यों नहीं उठाई? इसलिए मैं उनकी संजीदगी पर, मैं उनकी सीरियसनेस पर प्रश्न उठा रहा हूं कि केवल धरना प्रदर्शन करने से अपराध रुकने वाले नहीं है। आपको सत्ता की इन संस्थाओं में जाकर के संसद में, विधानसभा में और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी, उनमें आपको प्रश्न उठाने पड़ेंगे और उनमें जो है आपको नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा, तब कहीं जा करके जो है बैकफुट पे आएगी सरकारें, वरना सरकारें स्वच्छंद हैं, क्योंकि आप वहां नहीं प्रश्न उठाते, वहां पर आपको यह प्रश्न उठाया जाता है कि किसकी सुरक्षा ले ली गई और किसका घर खाली करवा लिया गया। नहीं, मैं उसी पर बात कर रहा था कि सत्ता की जहां तक बात है तो सत्ता में तो है ना लोग, अभी भी सत्ता में है। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हैं वो लोग उठा रहे हैं या वो लोग नहीं है कि नहीं है? ये बात सही है आप ये, लेकिन आप देखें कि जब लोग उठाते हैं तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो शिद्दत से उठा रहे हैं या सीरियसनेस से उठा रहे हैं। मैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कमीशन खाली पड़ा है, यहाँ पर मंत्री महोदय जो न्याय और अधिकारिता महोदय हैं, न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, उनकी आवाज, यहां तक कि मैं राष्ट्रपति जी को भी सादर ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या उनको सो मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अभी आपने देखा कि
उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने हाथरस की घटना पर सुओ मोटो संज्ञान लेकर के प्रश्न पूछा है। इसी प्रकार राष्ट्रपति महोदय को भी और मंत्री महोदय को भी बाकायदा ये प्रश्न उठाना चाहिए और प्रजातंत्र में प्रश्न पूछना और वो भी संवैधानिक इदारों के अंदर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, वो मैं उसी पर बात कर रहा था कि तो, चाहे वो माननीय राष्ट्रपति हो या फिर तमाम सांसद हो माननीय या फिर तमाम विधायक हो, ये लोग दलितों का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ पर क्या कारण देखते हैं? सिर्फ एक पार्टी की विचारधारा की वजह से ऐसा हो रहा है या वहां पर रहकर भी वो मतलब किस वजह से बंधे हुए हैं, क्या कारण है? नहीं, तो देखिए, नहीं बिल्कुल सही बात है, यही प्रश्न जिसे यही प्रश्न बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के बाद यही पूछा था और पूरा पैक्ट में उन्होंने यही कहा था कि ओनली स्टूजेस विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर पूना पैक्ट, और बाद में मान्यवर कांशीराम ने कहा कि भाई ये जो लोग चुन करके जा रहे हैं उनको ये लगता है कि वो दलित समाज के वोटों से चुपके नहीं जा रहे, क्योंकि वो मिक्स्ड, जब मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, मिश्रित जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई जिसमें कि शेड्यूल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट दोनों समाज के लोग देते हैं, समर समाज के, और किसी भी रिजर्व लोकसभा में और विधानसभा में समर समाज के लोगों की संख्या ज्यादा होती है और इसलिए दलित समाज का जो लीडर चुन के जा रहा है वो ये डरता है कि अगली बार अगर मैंने ज्यादा आवाज उठाई तो वो मुझे नहीं चुनेंगे। तो समर समाज की पार्टी की, समर समाज की पार्टी से चुना हुआ आरक्षित वर्ग का लीडर वो कभी भी आत्मनिर्भर रूप से आवाज नहीं उठा सकता, और ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम जब किया था यही विवशता है निर्भर दलित राजनीति की, और इसीलिए आत्मनिर्भर दलित राजनीति की आवश्यकता पड़ी और उसके तहत जो आत्मनिर्भर पार्टियां बनी। जी, तो आत्मनिर्भर पार्टियों ने बनकर एक तरह से हम देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण तो बीएसपी का ही है। हम अगर देखते हैं तो सत्ता अगर अब तक के पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, आरपीआई से शुरुआत हुई थी उसके बाद बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, लेकिन अगर पूर्ण रूप से सत्ता में किसी ने अपना प्रदर्शन किया है तो वो सिर्फ बीएसपी ने किया है। तो बसपा के शासन को हम देखते हैं और वर्तमान शासन को हम देखते हैं तो क्राइम रेट आप कितना अंदर पाते हैं? देखिये, मैं रेट मैंने तो देखा नहीं, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि दो प्रकार की वारदातें सामने आती हैं। आप वर्तमान में जो वारदातें देखेंगे वो वारदातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि समर समाज का मनोबल बढ़ा हुआ है और समर समाज ये सोच करके वारदात कर रहा है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि सत्ता हमारे पक्ष में है, इसलिए वो ये वारदात कर रहा है। और हाथरस की वारदात इस बात की तस्दीक करती है कि वारदात के बाद जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन ने बिहेवियर किया वो वास्तविकता में संवैधानिकता के पैमाने पर नहीं खड़ा होता है। जी, हम ये समझना चाह रहे हैं और हम आगे भी इन विषयों पर चर्चा करेंगे और जिसमें हम ये कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर इन परिस्थितियों का हल क्या होगा। तो हल अगर हम सत्ता में ही पाते हैं तो सत्ता से हम कितनी दूर हैं, इस पर भी हमें नहीं, उसमें देखिए सुधीर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए लड़ाई बड़ी है और इसको हमको धैर्यपूर्वक सामाजिक संरचना की पड़ताल करके हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दलित आंदोलन के पास बहुत सारे अनुभव हैं जी। और अगर हम उन अनुभवों को नहीं देखेंगे, उसको रेखांकित नहीं करेंगे, उसकी पड़ताल नहीं करेंगे तो हर युवा को यह लगता है कि वही रेवोल्यूशन करने जा रहा है
वही क्रांति करने जा रहा है, इससे पहले तो क्रांति हुई नहीं है, नहीं है। और उस उसमें वो अपने जितने पूर्वज हैं उनको वो भुला देना चाहता है और वो चाहता है कि यही एक तरीका बताए। और ये यहां नहीं, श्रीलंका में भी यही हुआ था। जब LTTE चली तो क्या हुआ, LTTE ने उसके यूथ लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए। हमारे हमारे जब जंग आजादी चल रही थी, हमारी जब इंडिपेंडेंस वॉर चल रही थी, तो उसमें भी राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी ये कर रहे थे कि नहीं रिवोल्यूशन होना चाहिए। और हमारी दलित आंदोलन में दलित पैंथर्स का भी यही इतिहास है कि नहीं रिवोल्यूशन होना चाहिए, हम नहीं मानते हैं संविधान को, हम नहीं मानते तिरंगे को, यही तो कह रहे थे वो लोग। तो अब हम क्या फिर से उसी गलती को दोहराएंगे? आर वी गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक? और लोग कहते हैं कि those who do not learn from their mistakes are condemned to repeat. तो हम क्या फिर से वो करें? इसलिए दलित समाज, दलित आंदोलन को बहुत ठहराव के साथ विचारधारा, संगठन, कैडर, इन सबको मिला करके सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। और सत्ता तभी आएगी जब आप बड़ी विचारधारात्मक लड़ाई लड़ेंगे। अगर केवल फायर फाइटिंग करेंगे आप संविधान के अंदर, संविधान में दिए गए अधिकारों को आप नहीं ले रहे हैं। अरे कितना आसान है, एक वोट, वन मैन वन वोट, और वोट आपका ज्यादा है तो आप सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे क्योंकि वो काम कठिन है, वो काम ज्यादा कठिन है क्योंकि आप धैर्य पूर्वक, आपको पता नहीं फल मिले ना मिले, कल आप जिंदा रहे या ना रहे, जो लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे शुरुआत में उनको नहीं मिली और बाद में लोगों को सत्ता मिली, तो आप ये चाहते हैं कि सत्ता आज ही मिल जाए। तो इसलिए धैर्य पूर्वक आंदोलन ही नहीं, आपको संवैधानिक धारातल पर आंदोलन चलाना पड़ेगा और संविधान की दिए हुए संस्थाओं के अंदर घुसना पड़ेगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और जितनी भी जो आयोग हैं उनके अंदर आपको जवाबदेही सुनिश्चित करवानी पड़ेगी। इतना आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, इतने प्रश्न करने पड़ेंगे, और फिर जाकर के आप तीन तरफ लड़ाई लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस से लड़ना पड़ेगा आपको, आपको वकीलों से लड़ना पड़ेगा और न्यायालय में भी लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है कि आपको फौरी तौर पर न्याय मिल जाएगा, नहीं। इसलिए धैर्य पूर्वक संगठन बना करके, विचारधारा के धरातल पर कैडर बना करके सत्ता तक पहुंचिए, संस्थाओं को बदलिए, सामाजिक परिवर्तन कीजिए, मुझे लगता है ये अपराध रुकेंगे जरूर। बिल्कुल, और रुक भी सकते हैं अगर सही तरीके से, सही योजनाबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ा जाए। हालांकि पंजाब में बहुजन समाज पार्टी भी एक बहुत बड़े आंदोलन को लेकर चल रही है इस वक्त, वहां पर किसानों को लेकर और वहां पे छात्रवृत्ति को लेकर भी बहुत बड़ा आंदोलन, सड़कों का ही आंदोलन हो रहा है वहां पर, बहुत बड़ी संख्या में ये सारा कुछ हम देख पा रहे हैं इस समय। राहुल गांधी गो बैक देनी नारे ला रहे हैं, कले असी नारा ला रहे हैं, दलित विरोधी राहुल गांधी गो बैक, वापस जाओ। पछड़ा वर्ग जी 52% आबादी है, 27% मंडल कमीशन है, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने OBC वर्गों को नहीं दिता। राहुल गांधी कांग्रेस का हैड वा, राहुल गांधी जिहड़ा कांग्रेस की अगुवाई करता, इस करके असी राहुल गांधी गो बैक गया भी वापस जाओ तुम दलता और पछड़िया के। अज जिहड़ा किसानों के मुद्दे पर आए हैं, बहुजन समाज पार्टी किसानों का समर्थन करती है, पर ट्रैक्टर के उत्ते बैठ के इन्होंने साधु सिंह धर्मसोह तो जिहड़ा बचाउण का काम किया आ, डाकू धर्मसोह तो बचाउण का काम किया बहुजन समाज पार्टी, ये छड़ कर। हालांकि सभी प्रकार से लड़ाई की जो का जो स्वरूप है वो आंदोलन, देखिए सुधीर जी, फिर अब संगठन बना हुआ है, संगठन के आधार पर आंदोलन कर, क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष ये चाहेगा कि आपका संगठन ना बन पाए, आप केवल रिएक्शन करें, वो आपके मार्ग में इतने अवरोध खड़ा करेगा, इतनी कठिनाइयां खड़ा करेगा कि आप उन कठिनाइयों से जूझते रहें, उसी से लड़ते रहें, अवरोध से लड़ते रहें, और अपनी पूरी एनर्जी, अपनी अपना पैसा, अपना समय, अपनी सोच, अपनी जो जन बल है, धन बल है, मनोबल है, वो उसी में लगाएं, प्रतिक्रिया में सकारात्मक पॉजिटिव मूवमेंट ना खड़ा कर लें, सकारात्मक आत्मनिर्भर अपने एजेंडे को, हम सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे पर सकारात्मक अपने कैडर को ना बना ले जाएं, अपना संगठन ना बना ले जाएं,
जिससे कि हम सत्ता तक पहुंच पाए वो कभी नहीं चाहेगा। और इसलिए चालाकी ये होगी, बहुजन समाज के आंदोलन और अनशन करता यूथ की चालाकी ये होगी कि वो जो कठिनाई खड़ी है उससे बचते हुए, उससे किनारा करते हुए अपना संगठन बनाए। और यही थोड़ा सा छोटा सा काम मान्यवर कांशीराम ने करके दिखाया, जिससे कि आज इतनी बड़ी शक्ति दिखाई पड़ती है जो कि छोटी लगती है लोगों को, लेकिन अगर इसी में इजाफा हो जाता तो मुझे लगता है कि स्थायी रूप से सत्ता परिवर्तन हो सकता था, लेकिन अभी ये केवल एक पासिंग फेज था। चलिए, फिर भी एक उदाहरण तो सेट हो गया है, एक उदाहरण सामने रख दिया गया है, और इसी को अगर हम आधार बनाकर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से समस्याएं सुलझ भी सकती हैं। बहुत 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 ही बढ़िया तरीके से आपने इसका विश्लेषण किया, और समझते हैं कि आगे भी हम बहुत सारे विषयों को लेकर इस प्रकार से विश्लेषण करेंगे। आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम।